नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। बेमौसम आई आंधी से फसल हुई बर्बाद, ग्रामीण पहुंचे तहसील सदर, एसडीएम सदर को सौंपा ज्ञापन। बताया जा रहा लगभग 100 बीघा से ज्यादा फसल का हुआ नुकसान। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के आला अधिकारियों से मुआवजे की लगाई गुहार। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। एटा तहसील सदर का पूरा मामला। मैं आपका, मेरा नाम लोधी योगेश राजपूत, ग्राम प्रधानपुरा। योगी जी, क्या नाम है? योगेश जी, ये बताइए, आज जो आप आए हैं यहाँ तहसील में, क्या समस्या है आपकी, क्यों इकट्ठे हुए आज आप सब लोग? आज हमारे सैकड़ों किसान इस विषय को लेकर हुए, जो कल तेज आंधी तूफान आया था, उसमें एक आंधी तूफान में तेज चक्रवात के रूप में आया था, उसमें हमारे गांव के किसानों की जो गेहूं की फसल थी, वो गेहूं की फसल को उन्होंने काट रखा था, तो पूरे खेत के खेत उस चक्रवात में फंस करके गायब हो गए। और ये हमारे जो गांव के किसान हैं वो बहुत परेशान हैं। इसको लेकर के आज हम सबसे पहले आदरणीय विपिन वर्मा डेविड, जो हमारे एटा के सदर विधायक हैं, उनसे मुलाकात की। उसके बाद हमारे जो तहसीलदार हैं सीपी सिंह जी, उनसे मुलाकात की। और अभी हमने जो ज्ञापन दिया है वो उपजिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दिया है, और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि आपको मंडी समिति से हमारे सभी जो लेखपाल के माध्यम से जो जायज जो किसानों को फसलें नुकसान हुई हैं उसके बाद उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। कितने लोगों का जो नुकसान हुआ है, और कितने लोग जो गांव में हैं, उन लोगों का नुकसान हुआ है जो गांव में है, कितने लोग हैं वो जिनका नुकसान? फिलहाल अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 100-150 लोगों का नुकसान हुआ है। बाकी के अभी हमारे लेखपाल जी को भेजा गया है। उपजिलाधिकारी जी ने कहा है कि हम लेखपाल के द्वारा वहाँ दिखवाते हैं, और जो उन्होंने कहा है कि हम उनको खाते और अकाउंट नंबर लेंगे, और जिसका नुकसान हुआ है उन लोगों को। कितनी फसल का नुकसान हुआ है? कितनी फसल का? तकरीबन मेरे हिसाब से 500-600 बीघा का लोगों को नुकसान हुआ है, ऊपर हो सकता है इससे।